बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं अल्लाह के अंदर सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई तक फरमाए। अल्लाह हम सब से राजी हो। जो औलाद के तलबगार हैं अल्लाह उन्हें नेक साल औलाद से नवाजे, नेक साल औलाद से नवाजे। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत तंदरुस्ती खुसूसी शिफा अता फरमाए, अपने फजल से अपनी रहमत से खुसूसी शिफा अता फरमाए। जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उनकी भी वफ़ुर फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सबरे जमील का करे, इसका नेमल बदल दुनिया भी अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। और पुलाव बन रहा है सादा पुलाव, और बेगम जो है बीमार है और उसके चक्कर अलग आ रहे हैं, कमज़ोरी जिसमें लून पान, और यह अचानक सा हुआ है। और अल्लाह तला ने तंदुरुस्ती सिखा दी, क्योंकि उनको एक तो जल्द का मसला है, दूसरा खून ब्लड का दुरुस्त नहीं है। और अल्लाह ने तंदुरुस्ती सिखा दे, दुआ करना अल्लाह तला इनके लिए आसानी पैदा करे, क्योंकि एक तो शुगर की अलामत भी है, खून की कमी, और अल्लाह तला इसके लिए बेहतरीन तफ़ में। हम उनको सब्ज़ियाँ खिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब्ज़ियाँ खाती नहीं है, और बार बार गोश्त भी नहीं खा सकते ना खिला सकते हैं। अल्लाह तला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह अपने फजल से प्रेमत सबको ढांप ले, सबको ढांप ले, दुआ क्या करें। अल्लाह तला बेहतर तफर में और बेगम को खुशू से शिफा दे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, खुशी तौर पर दुआओं की ज़रूरत है, मेहरबानी होगी। आप सब प्रेम भाई हमारे लिए दुआ करें। बाकी यहाँ इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।